हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बनाने वाले हैं पुलाव। उसके लिए हमें चाहिए चावल, बारीक कटा हुआ प्याज, आलू, छोटे छोटे टुकड़ों में गोभी, गाजर, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक। तो सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें जीरा डालेंगे। जब जीरा ब्राउन होने लगे तो उसमें हम प्याज डालेंगे। अब हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, इसमें हम अदरक के पीसेस डालेंगे। अब डालेंगे गोभी, आलू, गाजर, हरी मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी, देगी मिर्च पाउडर, अपने स्वादानुसार नमक, गरम मसाला। अभी सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ, सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। याद रखिएगा, जितने हमने चावल लिए हैं उनसे दुगना पानी डालेंगे। अब हमने पानी डाल दिया है। अब इसको जब तक इसमें एक उबाल आता है जब तक ढक के रख देंगे, क्योंकि चावल इसमें बाद में डालते हैं जब इसमें एक उबाल आ जाएगा। देखिएगा, पानी अब अच्छे से उबलने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे चावल। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर को बंद कर देंगे और सिर्फ एक सीटी आने तक का वेट करेंगे। बंद कर देंगे।